मैं बीदर रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं और आज मेरा प्लान है बीदर फोर्ट और बहमनी टूम्स जाने का। पीछे इस तरफ मेरी ट्रेन खड़ी है, थोड़ी सी लेट थी 2 घंटे और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। बीदर रेलवे स्टेशन की दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं जिसमें आप बीदरी वेयर यानी बर्तन बनाने की कला वो देख सकते हैं और साथ में बीदर की संस्कृति से जुड़ी हुई दूसरी चीजें। बीदर स्टेशन से निकलकर मैं ख्वाजा महमूद गवान के मदरसे पर आ गया और इसका जो आर्किटेक्चर है सेंट्रल वेस्ट एशिया से बहुत मिलता जुलता है और इसका एक हिस्सा जो है बिजली गिरने से गिर गया है। ये हिस्सा जो है इधर से बिजली गिरने से गिर गया है। महमूद गवान का ये मकबरा जो है 1427 में बना था और ये जो है उस वक्त एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पे इस्तेमाल होता था। जब राजधानी गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफर हुई बहमनी सल्तनत की तब इस मदरसे का निर्माण हुआ था। इस मदरसे के बाद जो है मैं अस्तूर जाऊंगा। अस्तूर जो है बहमनी ग्रुप ऑफ टॉम्स है वहां पर। अस्तूर के रास्ते में चौखंडी पड़ता है। चौखंडी हाजीउल्लाह का मकबरा है। वो एक सूफी संत थे और बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन शाह के स्पिरिचुअल गुरु भी थे और चौखंडी का आर्किटेक्ट भी वही था जो कि अलाउद्दीन शाह के मकबरे का आर्किटेक्ट था। और यहाँ से जब आप देखेंगे चौखंडी से तो बहमनी टोम्स के जो ग्रुप हैं वो भी यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। सामने जो है इसका एंट्री गेट है जहाँ से मैं अंदर आया था। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और अब मैं जो है बहमनी टोम्स के जो ग्रुप हैं वहाँ पर जाऊँगा। अब जो है मैं बहमनी टॉम कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे करीब 12 मकबरे हैं। यहाँ पर जो पहला टॉम्ब है वो अहमद शाह अलवली का टॉम्ब है। अलवली का मतलब होता है जो भगवान के करीब हो। तो सूफी संत बहुत रिस्पेक्ट करते थे इस राजा को और इसकी पोएट्री को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही लिंगायत हिंदू जो हैं वो अल्लामा प्रभु का अवतार मानते थे अहमद शाह। और अहमद शाह के मकबरे के बगल में जो मकबरा है वो अलाउद्दीन शाह का मकबरा है और हम देख सकते हैं कि पर्शियन आर्किटेक्चर से कितना करीब है ये, कितना मिलता जुलता है।
सामने जो है हुमायूं शाह का मकबरा है और ये ढह गया है। इस मकबरे का जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल नायाब है, मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसके जो कंगूरों पे जो छोटी छोटी मीनारें बनी हैं काफ़ी अलग हैं। अस्तूर जो है शहर से थोड़ा बाहर है, 4-5 किलोमीटर पड़ता है फोर्ट से, यहाँ पे आया जा सकता है आसानी से स्टेशन। अगला पड़ाव जो है वो बीदर फोर्ट है, तो मिलते हैं सीधे बीदर फोर्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।